नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगर आप किसी स्त्री को प्यार करना चाहते हैं, अगर किसी भी मनचाही स्त्री को अपने प्यार में दीवाना बनाना चाहते हैं, तो स्त्री 5 मिनट में आपका दीवानी बन जाएगी। 5 मिनट के अंदर में वो आपका दीवानी हो करके रहेगी। इस चीज पर नाम लिख दो। अगर इस चीज पर नाम अगर आप लिख देते हैं, तो 5 सेकंड में, 5 मिनट में वो स्त्री आपका प्यार में पल पल तड़पने लगेगी। वो स्त्री आपका प्यार में भाग करके आएगी। वो कोसों दूर में अगर वो स्त्री बैठी हुई है, तो आपका प्यार में तड़पने लगेगी और आपका से बात करने के लिए परेशान रहेगी, आपसे मिलने के लिए परेशान रहेगी। आखिर कौन सा चीज में आपको उस स्त्री का नाम लिख देना है और किस समय लिखना है, कैसे लिखना है, आज मैं एक ऐसी चमत्कारी वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूं। उस वस्तु पर अगर आप नाम लिख देते हैं मन चाहे स्त्री का, तो आप पल भर में उसे आप अपने प्यार में दीवानी बना सकते हैं और पल भर में वो आपका प्यार में तड़पेगी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय मां कामाख्या जरूर लिखे, ताकि माता कामाख्या की कृपा से आपके ऊपर में प्यार की बौछार लग जाए, आपके ऊपर में स्त्रियों के प्रेम बरसने लगे, आपके ऊपर लड़कियों की प्रेम बरसने लगे। ये एक ऐसी चमत्कारी टोटके मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, आप सभी जानते हैं वशीकरण का मतलब है किसी को भी अपने बस में कर लेना। अगर आपके बात को कोई मान नहीं रहा है, अगर आपसे कोई प्यार नहीं कर रहा है, तो आप उससे प्यार को कैसे छीन सकते हैं, आप उसका प्यार को कैसे पा सकते हैं, मैं सारे कुछ उपाय आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे या मेरे वीडियो पहली बार आए होंगे, तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल घंटी को भी जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप आसानी एकदम वशीकरण कर सकते हैं। घर बैठे बिना मंत्र तंत्र के, आपको बिना साधना के, आप वशीकरण करके किसी को भी अपने वशीभूत में कर सकते हैं, किसी को भी अपने प्यार में उसे आप दीवाना बना सकते हैं। तो आज मैं एक छोटा सा प्रयोग दिखा करके, छोटा सा प्रयोग बता करके एक शक्तिशाली वशीकरण करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही असरदार और बहुत ही अति शीघ्र प्रभावशाली वशीकरण टोटके है, और इस टोटके को आप अगर अपना लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप खोया हुआ प्यार को पा सकते हैं, बिछड़ा हुआ प्यार को पा सकते हैं, बरसों से खोई हुई प्यार को आप पुनः वापस पा सकते हैं। तो आइए मैं बताने जा रहा हूं वो कौन सा चीज है, कैसे इसको लिखना है। मित्रों, इस चीज को लिखने का दिन होगा आपको जिस दिन इच्छा करे, जिस दिन आपके लिए दिन अच्छा हो, चाहे शनिवार का दिन अच्छा हो, या अमावस्या का दिन अच्छा हो, या पूर्णिमा का दिन अच्छा हो, या मंगलवार के दिन अच्छा हो, जो भी दिन आपके लिए अच्छा है, उसी दिन में आपको सुबह सुबह आपको पूजा पाठ पहले कर लेना चाहिए। पूजा पाठ करके आपको ये भगवान के सामने में, ईश्वर के सामने में, या मन मन में दृढ़ विश्वास को रखते हुए आप भगवान को आशीर्वाद लेने का पहले कृपा कीजिएगा और बोलिएगा, मैं आज फलना को वशीकरण करना चाहता हूँ, फलना का प्यार को मैं पाना चाहता हूँ, फलना मन उस स्त्री का नाम, उस प्यार का नाम लेकर के आप बोलिएगा। और उसके बाद रात को सोते समय में आपको करना यह है, आपको बाजार से आपको लेना होगा एक ठो दालचीनी का लकड़ी। दालचीनी का लकड़ी बहुत ही आसानी से आपको किसी भी दुकान में, राशन की दुकान में मिल जाती है, और उस दालचीनी की लकड़ी को ला करके उसको गंगा जल से शुद्धि करके लाल रंग का मार्कर कलम से आपको उस स्त्री का नाम, उस मन चाहे प्यार का नाम आपको लिख देना है। अगर वो उसको दूर चली गई है, तो उसका पता भी आप लिख दीजिएगा और उसके पीछे आप अपना नाम लिख दीजिएगा, और नाम लिख करके उसके ऊपर में 2 पीस लौंग, 1 लौंग इधर से, 1 लौंग उधर से, फूल वाला लौंग जो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, 1 लौंग इधर से, 1 लौंग इधर से लिख करके, और उसमें सूता से, काले रंग का धागा से उसको लपेट करके आप तकिया के नीचे या बिस्तर के नीचे रख करके आप सो जाइएगा। बस सो जाना है, उसके नाम 7 बार लेकर के,
उसके बाद सुबह सुबह फिर से स्नान ध्यान करने के बाद, भगवान से प्रार्थना करने के बाद, वो चीज को लेकर के आप किसी भी बहता पानी, नदी में, तालाब में, और चाहे आपको समुन्द्र में, जहां भी आपको मिले, आपको वहां पर जा करके उस चीज को आप प्रवाह कर दीजिएगा। 7 बार उस स्त्री का नाम लेकर के 5 मिनट के अंदर में वो स्त्री आपके प्यार में तड़पने लगेगी, आपके प्यार में बसीभूत हो जाएगी, आपके बिना वो नहीं रह पाएगी। ये बहुत ही शक्तिशाली, असरदार और तीव्र वशीकरण टोटके मैं बताया हूं, इसे आप जरूर प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी। माता कामाख्या की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहेगी, इसी आशा उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रा।